अशोक तोमर बने विद्यार्थी परिषद की संग्रह नगर इकाई के अध्यक्ष। कपिल मोदी को चयनित किया गया नगर मंत्री। विद्यार्थी परिषद की संग्रह इकाई द्वारा रविवार को विश्राम गृह परिसर में नगर इकाई का गठन किया गया। अशोक तोमर को जहां इकाई का अध्यक्ष चुना गया, वहीं कपिल मोदी को नगर मंत्री नियुक्त किया गया। इसके अलावा ज्ञानचंद, कुलदीप, डिंपल, प्रदीप, अविनाश, ज्योति, नेहा व पायल को भी नगर कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। SFS के जिला संयोजक अक्षय सिंह घनिया तथा विद्यार्थी परिषद की संग्रह इकाई के अध्यक्ष सुनील राजपूत व सचिव रोहित शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। चुनाव अथवा बैठक के बाद विद्यार्थी परिषद द्वारा क्षेत्र के जरूरतमंद छात्रों को नोटबुक अथवा पठन पाठन छात्र सामग्री भी वितरित की गई। आदर्श विद्यालय सगड़ा में आज हुई TGT आर्ट्स टेट परीक्षा। कुल 43 में से 36 परीक्षार्थी रहे मौजूद। उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद आदर्श जमा 2 विद्यालय सगड़ा में रविवार को TGT आर्ट्स की टेट परीक्षा हुई। कुल 43 अभ्यर्थियों में से 36 इस परीक्षा में मौजूद रहे। तहसीलदार सगड़ा आत्माराम नेगी द्वारा रविवार को परीक्षा के दौरान एग्जामिनेशन हॉल का निरीक्षण किया गया तथा स्थिति सामान्य पाई गई। टेट एग्जाम के कोऑर्डिनेटर एवं आदर्श विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार ने बताया कि टेट परीक्षाओं के दौरान कोरोना SOP का पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा एग्जामिनेशन हॉल में निर्धारित क्षमता से आधे छात्र अथवा अभ्यर्थी ही बिठाए जा रहे हैं। यहाँ बिना मास्क एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं है तथा सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व शुक्रवार व शनिवार को जमा 2 विद्यालय में JBT, शास्त्री, LT तथा TGT नॉन मेडिकल आदि की टेट परीक्षाएं हुई। उपमंडल मुख्यालय होने के नाते हालांकि हर बार यहां बोर्ड द्वारा रखी जाने वाली इस तरह की परीक्षाएं होती है, मगर वर्ष 2019 में बोर्ड तथा स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते मॉडल स्कूल में JBT परीक्षा नहीं हो पाई थी और इस सब डिवीजन से संबंधित अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए नाहन उपमंडल में मौजूद परीक्षा केंद्रों के लिए भेजा गया था।